एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। इस वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है और खबर ये कि आईसीसी ने टीम ऑफ द डेकेड का ऐलान किया है टेस्ट, वनडे और टी20 में, और वहां पर टीम इंडिया की धूम मची है। आईसीसी ने इस दशक की सर्वश्रेष्ठ टीम का ऐलान किया है तीनों फॉर्मेट में। आईसीसी टीम में भारत के कप्तान ही बने हैं, धोनी वनडे और टी20 के कप्तान बने हैं, विराट कोहली टेस्ट टीम के कप्तान बने हैं। विराट कोहली एकमात्र खिलाड़ी जो तीनों फॉर्मेट की आईसीसी टीम में शामिल है। धोनी, रोहित शर्मा, आर अश्विन, बुमराह भी इस आईसीसी टीम का हिस्सा है। आइए हम आपको जल्दी से दिखा देते हैं कि आईसीसी टेस्ट टीम में कौन कौन शामिल है। आपको बता दें आईसीसी के वनडे टीम में हम आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं, कप्तान है महेंद्र सिंह धोनी। ये टेस्ट टीम आपको हम दिखा रहे हैं, टेस्ट टीम में एलिस्टर कुक, डेविड वार्नर, केन विलियमसन, विराट कोहली कप्तान, स्टीव स्मिथ, संगकारा विकेटकीपर, बेन स्टोक्स, आर अश्विन, डेल स्टेन, स्टुअर्ट ब्रॉड और जेम्स एंडरसन। आइए जल्दी से हम आपको दिखाते हैं कि आईसीसी के वनडे टीम का हिस्सा कौन कौन है। वनडे टीम आईसीसी में कप्तान एक बार फिर बने हैं महेंद्र सिंह धोनी, आईसीसी वनडे टीम के कप्तान, उस साथ साथ विराट कोहली भी उस वनडे टीम का हिस्सा है। ये आप देख रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी कप्तान, और टी20 में भी महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है। वनडे की टीम में रोहित शर्मा, डेविड वार्नर, विराट कोहली, एबी डिविलियर्स, शाकिब अल हसन, महेंद्र सिंह धोनी कप्तान और विकेटकीपर दोनों, बेन स्टोक्स, मिचेल स्टार्क और ट्रेंट बोल्ट। आईसीसी ने इस दशक के सर्वश्रेष्ठ टीमों का ऐलान कर दिया। अतुल भाई, कैसे देखते हैं इन तीनों टीमों को आप? हर टीम में विराट कोहली का नाम है, इसीलिए कहना सही है कि विराट को ही मिलेगा इस डेकेड का सबसे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड जो कल अनाउंस होने वाला है। बिल्कुल होना ही चाहिए। मुझे लगता है कि 20,000 से ज्यादा रन को एक 10 साल में बना दे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में, तीनों फॉर्मेट्स में 50 से ऊपर की औसत है, तो ये जो आंकड़े हैं ये माइंड बॉगलिंग है। अभी तक क्रिकेट में हमें लगता था कि तेंदुलकर के बाद ये आंकड़े हमें देखने को नहीं मिलेंगे, पर एकदम से बैटन जैसे कहते हैं रिले में पकड़ाई है और विराट ने पकड़ी है। मुझे लगता है कि अब अभी तक बिल्कुल फिट हैं, तो मैं सोच रहा हूं कि 4-5 साल में क्या आंकड़े होंगे उनके, कोई इंजरी ना हो जाए ये किसी के हाथ में नहीं है। पर और धोनी की जो लेगेसी है वो सामने है, तो ये जो टीमें बनाई गई हैं ये रिकॉर्ड देख के बनाई गई, और ये सिर्फ भारतीय पॉपुलैरिटी वोटिंग नहीं है, ये ऑल ओवर द वर्ल्ड आईसीसी की जो रेटिंग सिस्टम्स हैं उनके तहत बनी है, तो ये जेन्युइन है। और चारों खिलाड़ी जो हमारे हैं इन तीनों में, तीन टीमों में, चारों डिजर्व करते हैं। या डिजर्व बिल्कुल करते हैं, लेकिन इस बात का मलाल जरूर रहेगा कि शायद टीम इंडिया ने और भी ज़्यादा आईसीसी के ट्रॉफी जीतने की क्षमता थी लेकिन नहीं जीत पाए। लेकिन एक ऐसा क्रिकेटर जैसा अतुल भाई ने कहा वो है विराट कोहली, और क्यों हम कह रहे हैं कि वो कल जीतेंगे डेकेड क्रिकेटर ऑफ द डेकेड का अवार्ड, ये देखिए। 10 साल, 3,711 मैच और विराट कोहली को दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिलना तय। पिछले 10 साल के बीच खेले 374 मैच में बनाए 20,396 रन, 27 टेस्ट शतक, 39 वनडे शतक, कुल मिलाकर 66 शतक। पिछले एक दशक में सबसे ज्यादा शतक और अर्धशतक, तीनों फॉर्मेट में 50 से ज्यादा की औसत, क्रिकेट के इतिहास में एक दशक में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, 2016 से लेकर अब तक क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, आईसीसी अवार्ड 2020 की 5 कैटेगरी में नॉमिनेशन। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।